कोरोना वायरस इन्फेक्शन के टाइम में बैक पेन दिखाई देना कितना पेनफुल कंडीशन हो सकता है। 5 इन्फेक्टेड पर्सन में से 1 पर्सन के पास जरूर ये बैक पेन दिखाई दे सकता है। अब जानते हैं कोरोना वायरस जिसको सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 बोलते हैं, वो इन्फेक्शन करने से जितना भी सिम्टम्स एक आदमी के पास दिखाई देता है जैसे कि फीवर यानी कि बुखार, कॉमन कोल्ड, कॉफ यानी कि खांसी, सर दर्द, गले में खराश, लॉस ऑफ टेस्ट, लॉस ऑफ स्मेल, ऐसे बहुत सारे लक्षण जो दिखाई देता है, इनमें से बैक पेन यानी कि कमर में दर्द भी एक इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है। इसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। ये बैक पेन इंटेंस यानी कि सीवियर हो सकता है। क्यों कोरोना वायरस इन्फेक्शन के टाइम में ये बैक पेन दिखाई देता है? आप जानते हैं COVID-19 वायरस इन्फेक्शन होने से शरीर में इम्यून रेस्पॉन्स स्टार्ट हो जाता है। इम्यून रेस्पॉन्स स्टार्ट होने के कारण इंटरलीक्विन 2 प्रोडक्शन ज्यादा होता है, बॉडी में ज्यादा इन्फ्लामेशन होता है। ये इन्फ्लामेशन बहुत सारे ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, उनमें से बोन्स, जॉइंट्स और मसल भी अफेक्टेड होता है। इसलिए बैक रीजियन में मसल्स, बोन्स, जॉइंट अफेक्टेड होने के कारण ये बैक पेन यानी कि कमर में दर्द दिखाई दे सकता है। बैक पेन 3 वेराइटीज का दिखाई देता है COVID-19 इन्फेक्शन के टाइम में, जैसे कि अपर बैक पेन, मिड बैक पेन और लोअर बैक पेन। लोअर बैक पेन जो दिखाई देता है वो मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स अफेक्टेड होने के कारण दिखाई दे सकता है। मिड बैक पेन का भी कारण बहुत सारा हो सकता है और इसका एक इम्पोर्टेंट कारण हो सकता है लॉन्ग अफेक्शन, यानी कि कोई लॉन्ग्स में डिजीज होने के कारण रेफर्ड बैक पेन मिड रीजियन में दिखाई दे सकता है। नेक रीजियन और अपर बैक रीजियन में भी हड्डियां और मसल्स अफेक्टेड होने के कारण, ज्यादा इन्फ्लामेशन होने के कारण बैक पेन दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट आइए हम जान लेते हैं ये बैक पेन जो COVID-19 इन्फेक्शन के टाइम में दिखाई देता है इसको हम कैसे मिनिमाइज करेंगे, कैसे मैनेज कर सकेंगे। पहले खाना, आप COVID-19 इन्फेक्शन के टाइम में जो खाना खा रहे हैं वो हेल्दी यानी कि बैलेंस्ड फूड होना चाहिए, जिसमें एडिक्वेट अमाउंट में विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन रहना चाहिए। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट खाने से शरीर में ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है, इसलिए आपको शुगरी फूड्स और फैटी फूड्स को COVID-19 इन्फेक्शन के टाइम में कम खाना है। उसके बाद आप कोरोना वायरस इन्फेक्शन के टाइम में आप विटामिन का गोली और कैल्शियम टेबलेट खाना चाहिए, क्योंकि विटामिन में जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे कि ACE, ये सब शरीर में इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में मदद करते हैं, इसलिए बैक पेन को भी ये मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप कोरोना पीरियड में विटामिन और कैल्शियम खाना नहीं भूलना चाहिए। विटामिन में आप खाएंगे बी कॉम्प्लेक्स, ACED, इसके साथ कुछ मिनरल्स जैसे कि जिंक, सेलेनियम, इसको भी आपको खाना चाहिए। कोरोना पीरियड में आपको बेड रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन हर वक्त बेड के ऊपर सोने से आपका बैक पेन ज़्यादा हो सकता है, इसीलिए आपको कुछ मूवमेंट करना चाहिए। प्राणायाम करके आपका ऑक्सीजन लेवल को बॉडी में आपको ज़्यादा करना चाहिए ताकि मसल्स हेल्दी रह सकेगा। आपका पोस्चर को आपको करेक्ट करना है। कुछ हल्का सा एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग आपको रोज कुछ समय करना चाहिए। अगर बैक पेन ज़्यादा है तो आप कुछ मेडिसिन जैसे कि नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रॉग यानी कि आप जो पेन किलर बोलते हैं इसको आप खा सकते हैं। कुछ हीट थेरेपी ले सकते हैं, फिजियोथेरेपी करने से भी बहुत फायदेमंद होता है। तो फिर कोरोना पीरियड में अगर आप ऐसे बहुत सारे मेजर्स लेंगे तो जो बैक पेन दिखाई देता है आप उसको मिनिमाइज कर सकेंगे। आप कोरोना टाइम में बैक पेन थोड़ा बहुत तो दिखाई दे सकता है, लेकिन ये इंटेंस यानी कि सीवियर नहीं होगा। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो देख लेने के बाद अगर आपको कोरोना इन्फेक्शन होता है तो आप बैक पेन जैसा प्रॉब्लम को मैनेज कर सकेंगे, हेल्दी रहेंगे। थैंक यू।